लोग मुझे कमेंट किए थे एक लोग कि आप जो है इंडियन इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करके कंपेयर मत करिए, मतलब ज़रूरी का सामान सब कुछ मिल जाता है। देखिए आपको सारा शॉप दिखाती हूँ। हाँ पित्ती पक चल रहा है, नहीं समोसा। ओके हाँ, बेटा दादू नानी चली गई, पता नहीं लग रहे थे ना। दादी चली गई, दादी तो है दादू नानी नानू। हेलो गाय, बन गए लाइक नहीं करते हो। हेलो गाइस, वेलकम। आहा देखो भूत। ओके हो गया अम्मा। यस सिग्नल इज रेड, कार इज स्टॉप्ड। आद्या बहुत अच्छी तरह से सिग्नल समझ में आती है, रेड हो गया स्टॉप देन ग्रीन Let's go. Hello everyone, welcome back to my channel One Khadola Blog. तो guys हम जा रहे हैं इंडियन शॉप, यहाँ के इंडियन शॉप में कुछ लेना है जरूरी सा सामान। और आप लोग को यहाँ का डबलिन का इंडियन शॉप देखना है तो जरूर देखिएगा guys। रहते हैं डबलिन में पर खाते हैं इंडियन सामान। मुझे दादी को बता दो कि आपको गुड्डा लेना है। दादी गुड्डा लेना है दादी। हाँ। hey guys, तो फिर से ये इंडियन शॉप आए हैं सैंडी फोर्ड में मिनी इंडिया, और इसमें मीट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। व्हाट हैपेंड, वेट, आना नहीं है, वी आर कमिंग। तो इसी में से हम लोग को शॉप में से लेना है, और आद्या ना शॉप को पहचान गई है। करो। तो गाइस नीचे भी शॉप था और ये ऊपर हम चल रहे हैं। देखिए कैसे सब सामान लगा हुआ है। ये नमकीन का सेक्टर है, कोई भी नमकीन आप देख सकते हैं। इधर चाय, मतलब जरूरी का सामान सब कुछ मिल जाता है। देखिए आपको सारा शॉप दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ज्यादा इंडिया जैसा बड़ा नहीं है, बट जरूरी का आप जो भी चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है इंडिया का जो भी सामान चाहिए। आद्या लुकिंग फ्रूटी, आद्या व्हाट आर यू लुकिंग, आई डोंट वांट टू फाइंड फॉर हर, आई लेट हर सर्च करो, आद्या यू विल फाइंड इट, यू सर्च राइट। It's big shop. पहुंच जाएगी। मिली नहीं लीला। अरे keep looking for it. तो फ्रूटी ढूंढ रही है और वो पहुंच जाएगी। वो लास्ट टाइम आई थी ना तो फ्रूटी उसको दिलाए थे वो, तो उसको शॉप देखते ही याद आ गया कि तो फ्रूटी दिलाने आए हो पापा। तो यहाँ पे बिलिंग हो रही है। अरे डोंट गो, स्टे हियर। तो बिलिंग हो रहा है, इसमें से सामान तो ले लिया है, यहाँ पे बिलिंग हो रही है और समोसा भी वहाँ पे मिल रहा है। ये बंदा खड़ा है उससे ढक गया है समोसा और मिठाई, बट समोसा हम लोगों ने नहीं लिया कि मे बी ऑनियन होगा। तो ये आटा वगैरह सब कुछ लेना था गाइस इस शॉप में से। और आद्या ने क्या लिया है, मुझे भी पिलाओगी? One sip, I want one sip. Hello? Okay. Pali Pali, Mama. Mama, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। ख़राब हो जाएगी। दो झोला और एक आटा का पैकेट। आटा खत्म हो गया था गाइस, चावल खा के हम लोग परेशान हो गए थे। समोसा नहीं लिए? पितृपक्ष चल रहा है ना तो आई डोंट नो। तो ही वाज सेइंग ऑनियन नहीं है, श्योर नहीं था ना वो। हाँ फिर चलो ठीक है, क्यों लेना है, बना थोड़ी रहा है। जिसमें कंफ्यूजन हो वो क्यों लेना है। हाँ पित्ती पक चल रहा है, नहीं समोसा। ओके बेटा दादू नानी चली गई, पता नहीं लग रहे थे ना। हाँ, पित्ती पक चला, नानी चली गई,
गादी तो है दादू नानी नानू और एक और बूढ़ा दादू थे पापा के दादू, वो सब नहीं है ना, तो उनके लिए पितृ पक्ष होता है। छोटी तो ना गाड़ी में। हाँ आपसे बोलो आप पितृ पक्ष चलाना गाइस प्लीज। हर चीज में ना गाइस कह रही है इसमें ऑनियन होगा गार्लिक होगा, पितृ पक्ष चल रहा है ना, अब इसमें भी पड़ रही है कि ऑनियन है। अजय तुम खा सकती हो बेटा, यू कैन ईट यू, आप तो भगवान हो ना तो आप खा सकती हो, आपके लिए माफ करता है, बस मम्मा पापा नहीं खाएंगे ऑनियन और गार्लिक। नो और ज्यादा और बोलो आज। जब आई थी स्टार्टिंग में तो बहुत डरती थी, डरती थी ना, अब ये बोलती है बहुत जोर जोर से खिलाओ। हंसती हो बहुत तेज नहीं यार, बच्ची है अभी, डर लगने लगा, दुबली हो गई है, आज ना वोमिट कर दी थी। तो गाइज हम लोग इंडिया शॉप गए थे, फिर आते वक्त आदिया ने गाड़ी में ही वोमिट कर दिया, फिर उसके बाद मूड सबका हो जाता है एकदम ख़राब, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो इस नहीं बना पाए, आए फिर इनको सेवा पानी किए, इनको खिलाए पिलाए सुलाए, तो अभी सो के उठी हैं, तो इनको ले आए हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्विंग कराने के लिए, फिर ले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा ही ठंडी है, मैं आ भी नहीं रही थी, ये लोग मुझे लेके आए ज़बरदस्ती। हे गाइस तो अभी बन रहा है यहाँ पे देखिए भिंडी की सब्जी बन रही है, और सब्जी नहीं कहेंगे सूखी वाली जो भिंडी बनती है ना कट करके वैसी वाली बन रही है मतलब। तो ये इंडियन शॉप गए थे तो उसमें से लाए हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है कंट्रोल नहीं हो रहा है कि कल तक का वेट करें भिंडी खाने के लिए। तो जी यहाँ पे ना इस भिंडी का हमको मतलब क्या कहते हैं वैल्यू समझ में आ रही है, और कि कितना मतलब इसका वैल्यू है इंडिया में, इतना काटती थी सब्जी भिंडी मतलब, इसलिए बहुत याद आता है। तो यहाँ पे लाए हूँ, और इतनी ही जितनी भिंडी देख रहे ना, आलू को छोड़ दीजिए, ये है 3 यूरो 49 सेंट का, यानी कि 3.5 यूरो का। इतनी सी भिंडी मैं लाई हूँ 315-320 रुपये का इंडियन करेंसी में, सोचिए इतनी सी भिंडी इतना महंगा है। इंडियन चीज़ तो यहाँ पे और भी महंगा है अभी। और गाइस लोग मुझे कमेंट किए थे एक लोग कि आप जो है इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करके कंपेयर मत करिए। तो गाइज मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं क्यों कन्वर्ट करके कंपेयर करके बताती हूँ, क्योंकि ये इससे ये होता है ना कि कितने भी हमारे इंडियन व्यूअर है जिसको कि नहीं पता है यहाँ के बारे में कि ये चीज़ वहाँ पे कितने का मिलता होगा, तो मैं अपने इंडियंस व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि मतलब बता देते हैं कंपेयर करके कि इसका प्राइस इतना यहाँ पे है, उतना पे यहाँ है, उतना यहाँ वहाँ पे है इंडिया में, तो यहाँ पे इतना है, क्योंकि बहुत लोगों को ये होता है ना कि मतलब कितना का वहाँ मिलता होगा, इसीलिए मैं मतलब बताती हूँ और कोई वजह नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हो रहा है खाना, रोटी और भिंडी की सब्जी, आद्या आई है अचार चाटने, कैसा लग रहा अचार? अच्छा लग रहा ना, पिलता कितना प्रमुख था, बोला था दीदी। कौन बोल रहा था दीदी? लल्ला लल्ला को दीदी बोलता है। हाँ उन्हें छित्तर है। अच्छा दीदी हूँ ना, दीदी हो। हाँ तो गाइस भिंडी खा के बड़ा ही मजा आ रहा है। अरे व्हाट हैपेंड? बैटरी क्वाट चेक कर रही, तबीयत खराब है, कैसे बात दूंगी। ये क्या कर दिए हैं पापा यार, उस पे बैठ के उसको एकदम पीस दिए हैं। दिखा बेटा किटकैट को। मैं किया हूँ ये। हाँ इसी पे बैठ गए थे चटनी पर। मैं तो उस पे बैठा हुआ। हाँ तो यहाँ था ना? नहीं वहाँ नहीं था शशि, इसके पर तुम बैठी हुई थी मेरे को लग रहा है। आधे आधे से पूछिए कहाँ था। कहाँ था ये? वो आप बैठे थे ना, तो चमचा गया है।
कौन चमटा किया मम्मा? नहीं आपकी वो गलती थी। गलती है अदर डोंट टू पेन दो मुझे दो मुझे दो गंदा चॉकलेट होली पॉप रे। कोई कोई बेटी को अपने बाप को इस तरह मारते हुए किसी ने देखा है? और जरूर कमेंट में बताइएगा। गुस्सा गया आपका? बस करो। इनको तेनी टाइम का बस दे देती है। अब किसी तो अब इसको डांटते क्यों नहीं हो यार? जान है, ये मेरी जान है। तो गलत बात है ना, मतलब गलत बात पे डांटना गलत चाहिए। क्या बात है? हाँ, उसका हमको नहीं मारती है, हमको इस तरीका से नहीं मारती है। हाँ। हे गाइस, तो हमारा डिनर हो चुका है, आद्या को भी डिनर करा चुकी हूँ और अब इनको मुझे मसाज करना है और इनको सुलाना है। और गाइस, मेरी बेटी ना मतलब दुबली होती जा रही है, मुझे बहुत इसका मतलब चिंता हो रहा है। इसका पीछे का वीडियो जाके देख रही हूँ ना, कंपेयर कर रही हूँ, तो मतलब आप लोग खुद जाके देखेंगे मेरे ब्लॉग पे पीछे की वीडियो। तो आधा मतलब उस टाइम ठीक थी, मतलब अभी कंपेयर कर रही हूँ तो इन कंपेयर बहुत ज़्यादा ये दुबली दिख रही है। मुझे इसको मोटा करना है, कैसे क्या करूँ? खाती नहीं है, बहुत मुश्किल से खिलाती हूँ। स्कूल जाती है, स्कूल 3 घंटा रहती है, बिना कुछ खाए रहती है। लंच तरह तरह के मैं लंच में ट्राई करती हूँ कि दूध देती हूँ, सब वापस आ जाता है। और इस बात को लेके मुझे टेंशन हो रहा है और इसका हेल्थ डाउन हो गया है यहाँ आने पे, और बहुत बहुत तंग करती है खाने में। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि ये खुद से खाने में इंटरेस्ट ले? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हम लोग का 1 साल होने वाला है बहुत जल्द ही मेरे ब्लॉगिंग का, तो आप लोग को हम वो वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग देखिएगा। और किस दिन वो 1 साल पूरा होगा, हम एनिवर्सरी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे अपने ब्लॉगिंग का, तो आप लोग को देखने को बहुत जल्द मिलेगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।